दोस्तों, पीटीटी 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है 6 मार्च 2024 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2024 तक जारी रहेंगे। इस मध्य में आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। साथियों, आगे बताना चाहूँगा, 2 वर्षीय BEd, 4 वर्षीय BA BEd या BSc BEd इंटरग्रेट कोर्स के लिए जो प्रवेश परीक्षा है वो दिनांक 9 जून 2024 को आयोजित की जाएगी। दोस्तों, आपकी बार जो BEd प्रवेश परीक्षा है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। साथियों, 2 वर्षीय BEd पाठ्यक्रम के लिए स्नातक स्तर पर जनरल कैटेगरी को 50% अंक से उत्तीर्ण होने की आवश्यकता होती है। साथ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग और विधवा महिलाओं के लिए 45% अंक स्नातक स्तर पर अनिवार्य है। साथियों, PTET की जो एप्लीकेशन फीस निर्धारित की है वे ₹500 आपसे फीस के रूप में लिए जाएंगे। इसी तरह 4 वर्षीय इंटीग्रेट BEd कोर्स के लिए भी आपको योग्यता 12th में आपका जनरल कैटेगरी से 50% और SC ST और OBC कैटेगरी के लिए 45% मार्क 12th में अनिवार्य है। साथियों, PTET 2024 में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची नियमानुसार तैयार की जाती है। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु आवेदन के लिए आपसे शुल्क ₹500 जमा करवाना होगा। यह राशि आपने जो फीस जमा करवाई जाएगी उस समय उसमें समायोजित कर ली जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेकर संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करने पर जमा राशि में से ₹200 की कटौती की जाएगी। यदि विद्यार्थी शुल्क जमा करवा देता है तत्पश्चात कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करवाता है तब उससे ₹600 की कटौती की जाएगी। दोस्तों, यदि आप BEd करने के इच्छुक हो तो यह एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करें। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे मोबाइल से ये PTET का एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हो। साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। PTET 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन घर बैठे मोबाइल से कैसे कर सकते हो दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करके सीधे साइट पर आ सकते हो। PTET 2024, तो यहाँ आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें 4 इयर्स कोर्स और 2 इयर्स BEd कोर्स। आप जो भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं BEd के 2 इयर्स कोर्स पर क्लिक करता हूँ और आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप ये पूर्ण प्रोसेस दिखाता हूँ। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ कैंडिडेट में कैंडिडेट नेम टाइप कर देना है, उसके बाद आपको फादर नेम टाइप कर देना है। फादर नेम के बाद आपका ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपको सही से डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है वो डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेनी है आपको। उसके बाद आप पेमेंट ऑप्शन कोई भी चुन सकते हो, ई मित्रा या ऑनलाइन। दोस्तों, मैंने ई मित्रा चालान ऑप्शन चुना है, आप इसकी जगह ऑनलाइन पेमेंट मोड चुनिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने नया ऑप्शन होगा जिसमें आपसे मदर नेम और आपके जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उस पर एक OTP प्राप्त हुआ होगा 4 अंकों का, वो आपको यहाँ फिल करना होगा। साथियों, OTP फिल करने के बाद में आपको फ़ोटो और साइन जो साइज़ दी हुई है उस साइज़ में आपको क्रॉप कर लेना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आपको रिसाइज किस तरह से करना है दोस्तों। तो आप रिसाइज करके फ़ोटो, साइन और लेफ्ट हैंड थंब यहाँ आप लगा दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, नया होम पेज आपके सामने होगा जिसमें आपके द्वारा कुछ फिल की हुई डिटेल है, बाकी की डिटेल आपको फिल करनी होगी, जैसे मैरिड, अनमैरिड, जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको बोनाफाइड डिटेल में आपका स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट चुनना है। उसके बाद आपको कैटेगरी के बाद में एड्रेस आ जाता है दोस्तों, एड्रेस आप अच्छे से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस आ जाता है जो आपको फिल कर लेना है, यदि सेम है तो सेम, यदि डिफरेंट है तो आपको अलग आपका एड्रेस फिल कर लेना है दोस्तों। आपका ईमेल एड्रेस आपको सही से फिल करना है दोस्तों, जो आपकी ऑफिशियली मेल आईडी है वही आपको यहाँ नोट करनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आपके आ ही जाएंगे, आप किस संकाय से हो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट ग्रेजुएट क्लास में आपको ग्रेजुएट क्लास जो आपकी आर्ट्स है या BSc है या फिर कॉमर्स है सेलेक्ट कर लेनी है। आपको ये जो आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रही है वो आपको यहाँ फिल कर लेनी है, जैसे मैंने किया है हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। ये दोस्तों एज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वाली, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वाली है वो PG सब्जेक्ट, आप उसको छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको टीचिंग सब्जेक्ट फिल करना है,
उससे पहले दोस्तों आपको एनुअली इनकम फिल करनी होगी, जो आप कर सकते हो। आपकी जो भी एनुअली फैमिली इनकम है वो। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर चुनने होंगे दोस्तों। आपको दो एग्ज़ाम सेंटर चुनने हैं, जहाँ आपका उचित लगे वहाँ आप सेंटर चुन लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे अब क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको टेंथ की डिटेल फिल करनी है कि आपने किस बोर्ड से टेंथ किया है, और देना है ट्वेल्थ में 500 में से मेरे जो नंबर आए हैं वो 360 है। इस तरह से टोटल परसेंटेज 72 होती है दोस्तों। यदि आप प्रेजेंट टाइम में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो अपियरिंग करें, अन्यथा आप पास करके आपकी डिटेल फिल करनी है दोस्तों। जैसे मैंने पास किया है, बीए किया है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है, उसके बाद कौन से ईयर्स में मैंने ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है दोस्तों, वो डिटेल आपको फिल करनी होगी। उसके बाद आपके मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स कितने थे, तो वो आपको फिल करना है। 1800 में से मेरे दोस्तों 1600 मार्क्स है, तो इस तरह से ये परसेंटेज भी। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन फिल करें, यदि नहीं किया है तो नॉट एप्लीकेंट करके एक बार फॉर्म को फिर से देख लें कि आपके द्वारा दी गई डिटेल्स एक्यूरेट है ना। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने ये इंटरफेस होगा। यहाँ यदि आपने ऑनलाइन मोड किया है तो आप क्यूआर कोड या फिर यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। और यदि आपने ई मित्रा का चालान जनरेट किया है तो ये चालान आपको ई मित्र पर ही जमा करवाना होगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप ईटीटी 2024 का फॉर्म फिल कर सकते हो ये सारी जानकारी प्रोवाइड की है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे। धन्यवाद।